इस बच्ची के बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं। हाथ या पैरों में 6 उंगलियां होने के लिए पॉलीडेक्टाइली कंडीशन को जिम्मेदार माना जाता है। ये कंडीशन सिर्फ एक बच्ची तक ही नहीं है, बल्कि ये उसके दादाजी, पापा या कजिन्स को भी हो सकती है। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि बच्ची को ये डिसऑर्डर कैसे हुआ। वेल, पॉलीडेक्टाइली जेनेटिक डिसऑर्डर जो किसी को विरासत में मिलता है। पॉलीडेक्टाइली कंडीशन से पीड़ित व्यक्ति को उसके पेरेंट्स से एक एक जीन्स विरासत में मिलती है। ये जीन्स बेसिकली एलिलीज के रूप में ट्रांसफर होती है। एलिलीज का नेचर डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकता है। पॉलीडेक्टाइली कंडीशन के लिए डोमिनेंट एलिलीज जिम्मेदार होती हैं। आइए देखते हैं कैसे। आसानी के लिए डोमिनेंट एलिलीज को हमने यहाँ पे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया है। आप में पॉलीडेक्टाइली कंडीशन के लिए एलिलीज की एक कॉपी का होना बहुत है। मान लीजिए कि फादर में एलिलीज की एक कॉपी है लेकिन मदर में नहीं है। आइए इसके लिए ये जेनेटिक डायग्राम देखते हैं। एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलिली वाले वंशजों में भी पॉलीडेक्टाइली कंडीशन पॉसिबल है, जबकि दोनों रिसेसिव एलिली वाले वंशजों में ऐसा नहीं होता। सिस्टिक फाइब्रोसिस इनहेरिटेड डिसऑर्डर का दूसरा एग्जाम्पल है। इस जेनेटिक डायग्राम को ध्यान से देखिए और समझिए कि यह किस तरह पॉलीडेक्टाइली कंडीशन से अलग है। डायग्राम से क्लियर है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर के लिए माता पिता में रिसेसिव एलिली स्मॉल एफ का होना जरूरी है। हालांकि पेरेंट्स में ये डिसऑर्डर दिखाई नहीं देता, लेकिन ये उनके बच्चों में हो सकता है। जनरली लोगों को पता ही नहीं होता कि वो सिस्टिक फाइब्रोसिस को कैरी कर रहे हैं, जब तक कि उनके बच्चों में ये डिसऑर्डर जाहिर नहीं होता। अपने दूसरे बच्चों को इस डिसऑर्डर से बचाने के लिए एम्ब्रियो स्क्रीनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जल्दी से एक नजर एम्ब्रियो स्क्रीनिंग पे डाल लेते हैं। किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर से बच्चों को बचाने के लिए एम्ब्रियो स्क्रीनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पेरेंट्स को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF का इस्तेमाल करते हैं। IVF तकनीक में लैब्स में पेरेंट्स के शरीर से बाहर डिश में एग और स्पर्म की मिक्सिंग कराई जाती है। सभी फर्टिलाइज्ड एग्स के एक जरूरी लिमिट तक बड़ा होने पे उनकी जीन्स की टेस्टिंग की जाती है। ज्यादा से ज्यादा 2 अनअफेक्टेड एम्ब्रियोस को माँ के यूटरस में हेल्दी बेबी की ग्रोथ के लिए रख दिया जाता है। एम्ब्रियो स्क्रीनिंग के भी अपने इश्यूज हैं। एक एथिकल इशू तो ये है कि सभी अनयूज्ड लाइव एम्ब्रियोस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके अलावा इसके कई सोशल कंसर्न्स भी हैं जो पेरेंट्स या फैमिली के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। IVF प्रोसेस का महंगा होना एक और मुद्दा है। तो इस वीडियो में हमने पॉलीडेक्टाइली और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जाना। किसी को भी ये उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। डोमिनेंट एलिलीज पॉलीडेक्टाइली, वहीं रिसेसिव एलिलीज सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार होते हैं।